कृष्ण। किसी भी कार्य में सफलता के लिए गुण की आवश्यकता होती है, वह है दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन। उसी प्रकार भक्ति में भी हमें गुण की आवश्यकता है, इसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। तो प्रभुपाद जी भगवद्गीता के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 35वें श्लोक में बोलते हैं कि यदि हम एक क्वालिटी डेवलप कर लें, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, इफ़ वी स्टिक टू द क्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेशन, और दूसरी तरफ भगवान से प्रार्थना करें, एक याचक के मूड में रहें, दृढ़ता रखें और याचक का भाव रखें, तो निश्चित है कि शास्त्रों का जो सार है, जो आज जिस आज गीता जयंती आज भगवान ने कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान दिया, उसमें सिद्धांत बताया कि कैसे जीवन को सुखमय बनाना है, कैसे सुखी रहना है, तो उन सिद्धांतों का जब दृढ़तापूर्वक पालन करें, बाधाएं आने पर भी, तकलीफ आने पर भी, कष्ट आने पर भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि नहीं, मैं जो भगवान ने बताया, गुरु ने बताया, उसका पालन करूँगा, और साथ में प्रेयर करें, प्रार्थना करें, भगवान शक्ति बुद्धिहीन अमी अति दीन करो मोरे आत्मसार, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं कमज़ोर खिलाड़ी हूँ, न शक्ति है न बुद्धि है, लेकिन आप कृपा करो कि वो डिटर्मिनेशन पूर्वक दृढ़ता के साथ आपका भजन कर सकूं। तो निश्चित है कि भगवद्गीता का जो रहस्य है, जो मिस्ट्री है, रहस्यम और तदुत्तमम, वो हमारे हार्ट में रिवील हो सकता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो भक्ति में दृढ़ता बहुत आवश्यक है, और किसी भी कार्य में सफलता के लिए दृढ़ता बहुत आवश्यक जरूरी होती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुड थिंग्स डज नॉट कम सो इजीली, कोई भी अच्छी चीज़ हमको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, उसके लिए बहुत कठिन प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, डिटर्मिनेशन रखना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी वेस्टर्न वर्ल्ड में गए, तो प्रभुपाद जी के लेटर में बोलते हैं कि प्रभुपाद जी को बहुत डिफिकल्टीज आई जब वो फॉरेन का अमेरिका गए, तो श्री एक साल उन्होंने बहुत कष्ट उठाया, बहुत तकलीफ उठाई, हर जगह से विरोध था, हिप्पियों को प्रचार करना जो नशे में रहते हैं, सारे गलत कामों से लगने, गाय का मांस खाते थे, उनका हर जगह विरोध हो रहा था। प्रभुपाद जी को ये नहीं पता था कि मैं कहाँ जा, लेफ्ट जाना है, भाई जाना, प्रभुपाद जी बोलते हैं। जब वो जल्दू से उतरे थे तो ही डिडंट नो दैट आई हैव टू गो लेफ्ट राइट, कहाँ जाऊँगा, किससे घर में रहूँगा, कुछ नहीं, केवल जब मैं 40 रुपये दे, किससे को नहीं जानते थे, किसे तबड़ा इन पर खड़ा किया प्रभुपाद जी ने। हर घर में दुनिया में प्रभुपाद जी की पूजा पूरी दुनिया में होती है, सुबह शाम दोनों टाइम। तो ये क्वालिटी आप दृढ़, प्रभुपाद जी को जितनी कष्ट आए, तकलीफें आई, वो सबको सहते रहे। देखिए दृढ़ प्रति के व्यक्ति का गुण होगा कि वो सहनशील होगा, मान में, अपमान में, सुख में, दुख में, कष्ट में, बाधा में, वो सह लेगा, उसको प्रसन्नतापूर्वक सहता है। तो जिस व्यक्ति में दृढ़ता की क्वालिटी है, वो हर फील्ड में सफल होता है, स्पेशली भक्ति के पथ पर। लेकिन वो दृढ़ता खुद की बुद्धि से नहीं होनी चाहिए। गुरुपाद जी बोलते हैं डिटर्मिनेशन विद इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस मीन्स सुपीरियर इंटेलिजेंस, सुपीरियर इंटेलिजेंस मीन्स द इंटेलिजेंस दैट कम्स फ्रॉम साधु गुरु एंड शास्त्र। जो बुद्धि हमें साधु गुरु कृष्ण प्रदान करते हैं, उसको लेकर जो निरंतर लगा रहता है, प्रयास में लगा रहता है, एंडेवर करता रहता है, उसी को दृढ़ता कहा जाता है, और भजन हमारे लिए बहुत जरूरी है भजन की सफलता के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।